कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप जांगिड। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या ऐसे ही बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। कोई भी पर्सन एक बिजनेस चला रहा है और जिससे उसको इनकम हो रही है, तो सारी की सारी इनकम BNP में आएगी। ये देखा जाएगा, यहाँ पे उसका इंटेंशन देखा जाएगा कि जो उसने प्रोडक्ट एक्वायर्ड किया है वो रीसेल के लिए है या नहीं है। अगर वो रीसेल के लिए है तो वो उसका स्टॉक कहलाएगा। अगर वो उसका स्टॉक अगर मार्केट में सेल करता है तो वो इनकम कहाँ आएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी। देखिए BNP में जो टेक्निक चलती है वो सबसे पहले चलता है कैश सिस्टम और फिर एक्रुअल सिस्टम। फर्स्ट चलता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको जो ट्रीटमेंट करना है कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, अलाउड इनकम में से आपको अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस से आपके पास जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अलाउड इनकम में से अलाउड एक्सपेंसेस माइनस करना है। अब ये अलाउड इनकम है क्या, अलाउड इनकम का मीन्स है कि जो प्रॉपर बिजनेस इनकम हुई है, जो वो बिजनेस कर रहा है उससे जो बिजनेस रिसिप्ट हुई है वो अलाउड इनकम में आएगा। और अलाउड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए हुए हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो नॉर्मली आप ट्रेडिंग पेंडल में लिखते हो, वो सारे एक्सपेंसेस अलाउड एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अलाउड इनकम में से अलाउड एक्सपेंसेस लेस कर दिया जाएगा तो जो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाएगा। सेकेंड सिस्टम है आपका एक्रुअल सिस्टम। एक्रुअल सिस्टम जो नॉर्मली बिहेवियर में फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम इसे कहा जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम में आप P&L अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, जिसमें जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सबसे पहले आपको उसे लेना है। नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट लेने के बाद आप ऐड करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस और लेस करोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड किया जाएगा, डिसअलाउड इनकम माइनस किया जाएगा, फिर लेस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस और लेस करेंगे सॉरी ऐड करेंगे अलाउड इनकम। ये ट्रीटमेंट करने के बाद, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट करने के बाद आपके सामने आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब किस क्वेश्चन में आपको कैश सिस्टम फॉलो करना है और किस में एक्रुअल सिस्टम फॉलो करना है। कैश सिस्टम में ये ट्रीट करना है अलाउड इनकम में से अलाउड एक्सपेंसेस को लेस करना है, और एक्रुअल सिस्टम अगर है तो आपको नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करना है, डिसअलाउड इनकम को लेस करना है, अलाउड एक्सपेंसेस को लेस करना है और अलाउड इनकम को ऐड करना है। इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। कब ये फॉलो होगा एक्रुअल सिस्टम और कब कैश सिस्टम फॉलो होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी P&L अकाउंट दिया हुआ है तो एक्रुअल सिस्टम फॉलो होगा, और जब भी कैश बुक दी हुई है तो आपका कैश सिस्टम फॉलो किया जाएगा। अब जब भी एक्रुअल सिस्टम फॉलो होता है तो डिसअलाउड इनकम का ध्यान रखेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस का ध्यान रखेंगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस जिसे आपने P&L में लिख दिया है तो ही यहाँ पे आएगा। डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या जो कैपिटल नेचर का है, जिसे आपने P&L में लिख दिया है तो ही यहाँ पे ट्रीट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे। डिसअलाउड इनकम में भी सेम है, अगर आपने डिसअलाउड इनकम को P&L में लिख दिया है तो ही यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ही यहाँ पे शो किया जाएगा। अगर P&L में नहीं लिखा है तो यहाँ पे नहीं आएगा। देन आफ्टर दिया हुआ है अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस मीन्स जो बिजनेस से अलाउड है, अगर आपने P&L में उसे नहीं लिखा है
तो आपको, अगर आपने पीएनएल में नहीं लिखा है तब आपको यहाँ पे अलाउड एक्सपेंसेस शो करना है। ध्यान रखिएगा, पीएनएल में अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं आएगा। और इसी तरीके से सेम है अलाउड इनकम, अगर आपने पीएनएल में नहीं लिखी है तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब नॉर्मली ये सीधा सा एक रूल है कि अगर आपने डिसअलाउड इनकम या एक्सपेंसेस को पीएनएल में लिखा है तो ही ट्रीटमेंट करेंगे, और आपने अगर अलाउड एक्सपेंसेस या इनकम को पीएनएल में नहीं लिखा है तो यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन करके इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।